तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी कैडर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके एमडीयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबने एक नोटिस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एमडीयू यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें सभी कॉलेजेस को रिपोर्ट करना है कि उनके कॉलेज में कितना सिलेबस कंप्लीट अभी हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। उसको लेकर काफी बच्चों के मन में सवाल भी हैं। जैसे मान लीजिए कि काफी बच्चों का पूछना है कि उनके जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 30 जनवरी से, वो किस सेमेस्टर के हैं या किस ईयर के हैं, ये भी बच्चों का सवाल है। तो ऐसे काफी सवाल हैं दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आज के नोटिस की, तो देखिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं जो कि है एमडीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पर लिखा हुआ है टू ऑल डीन ऑफ द फैकल्टीज एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, ऑल हेड डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, डायरेक्टर एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एफिलेटेड टू एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। मतलब यहां पे सभी से, सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सीपीए सभी के वहां पे बात हो रही है, सभी के लिए नोटिस जारी किया है। सब्जेक्ट जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर शेड्यूल फ्रॉम 30 जनवरी 2022। मतलब यहां पे बात हो रही है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट वर्ड आता है तो मतलब आपको क्लियर हो जाता है कि यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट ईयर की बात यहां पे नहीं हो रही है दोस्तों, यहां पे बात हो रही है सेकंड और थर्ड ईयर की। इंटरमीडिएट का मतलब होता है आपका मध्यवर्गीय, मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़कर, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर जो आपके बाकी के जो सेमेस्टर बचते हैं उनकी बात यहां पे हो रही है, उनके यहां पे एग्जाम होने वाले हैं, उन्हीं को लेकर दोस्तों यहां पे बात हो रही है। एमडी यूनिवर्सिटी ने सबको नोटिस दिया है, यहाँ पे पूछा गया है सभी कॉलेजेस से कि जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, कितना सिलेबस कवर हुआ है, क्योंकि काफी बच्चों का कहना है कि अभी तक उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है ठीक तरह से। तो एग्जाम के लिए हो सकता है यहाँ पे अगर कॉलेजेस बोलते हैं कि उनका अभी सिलेबस बचा हुआ है या सिलेबस नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में हो सकता है आपके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि जितना सिलेबस कवर हुआ है उसी में से आपके एग्जाम ले लिए जाएं। दोनों ही कंडीशन दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है जैसा लॉकडाउन में पहले हुआ था कि जितना सिलेबस कवर हुआ था उसी सिलेबस का एग्जाम ले लिया गया था, हो सकता है दोबारा वैसे ही दोबारा यहां पे आपको साथ हो जाए। और दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो देखिए यहां पे जो एग्जाम डेट दी हुई है वो है 30 जनवरी, लेकिन 26 जनवरी तक तो लॉकडाउन है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आपके एग्जाम कुछ टाइम के लिए 8 से 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही लिए जाएं, एग्जाम आपके 30 जनवरी को ही हो लेकिन एग्जाम आपके ले लिए जाएं ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ आपको डेट शीट मिल जाएगी जहां पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम दोबारा बात करें तो देखिए एग्जाम आपके कैसे हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन एग्जाम दे दिया जाए जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर से में से आपको आंसर लिखने हैं शीट पर और शीट आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है फोटो क्लिक करके। एक तो हो सकता है कि ऐसे आपके एग्जाम हो, या फिर हो सकता है दोस्तों आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हो लेकिन आपको NE5 का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए, मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 9 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जितना सिलेबस आपको हो चुका है उतने में से ही, और उसी में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करके आने होते हैं। तो ऐसा भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में भी ऐसे ही एग्जाम लिए गए थे। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि बहुत आपको ऑप्शन मिल जाए, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जो बच्चा ऑनलाइन दे सकता है वो ऑनलाइन दे, जो बच्चा ऑफलाइन दे सकता है वो ऑफलाइन दे, क्योंकि काफी बच्चे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उनके पास अच्छी सुविधा ही नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। या फिर हो सकता है दोस्तों काफी बच्चे ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, काफी बच्चे नहीं आ पाते एग्जाम सेंटर तक, तो ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हो। दोनों ही सिचुएशन यहां पे हो सकती है दोस्तों, लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था आपके एग्जाम को लेकर। अभी जो नोटिस आया है वो सिर्फ यही है कि कॉलेजेस से पूछा गया है कि कितना सिलेबस अभी उन्होंने कवर करवा दिया है। 14 तारीख तक सभी कॉलेजेस यहां पर रिपोर्ट कर देंगे, उसी के बाद आपका शेड्यूल पता चलेगा कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं, एग्जाम ऑनलाइन होंगे या नहीं, एग्जाम 30 जनवरी को होंगे या नहीं, सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे ही अपडेट आती है आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।